हेलो एवरीवन टुडे सेशन वी डिस्कस अबाउट द यूनिट नंबर थ्री दैट इज स्टैक एंड क्यूज ठीक है तो स्टैक और क्यू क्या है ये हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर वन में देख ली है बट देर इज ओनली द इंट्रोडक्टरी पार्ट ठीक है उसमें देखा था कि स्टैक क्या उसका फंक्शंस क्या उसका वर्किंग कैसे होता है ठीक है दे ऑल्सो भी डिस्कस अबाउट द क्यूज बट देर इज ऑनली द ओनली ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट सो येयर वी डिस्कस अबाउट द डिटेल्स अबाउट दिस ट्रैक एंड क्यूज सो यो यूनिट नंबर थ्री इज ट्रैक एंड क्यूज सो इसका वेटेज होता है ट्वेंटी मार्क्स का सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ठीक है सो यूनिट नंबर वन जो था वो एक सिंपल बेसिक था ठीक है जिसमें हमने लीनियर नॉन लीनियर डेटास्ट्रक्चर क्या होता है प्रीमिटी डेटास्ट्रक्चर क्या होता है ये सब देखा था यूनिट नंबर टू में हमने सर्चिंग और शॉर्टिंग टेक्निक्स देखी थी कि कौन सी सर्चिंग टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं शॉर्टिंग टेक्निक का कौन से यूज कर सकते हैं वो सब हमने देखा था so now here we discuss the linear data structure that is stack and queue ठीक है so जैसे हमने first यूट्यूब में देखा था कि uh, stack और queue से क्या है it is all the linear data structure it is a non primitive linear data structure है ठीक है यानी इसमें जो data जो होता है structured जो किया जाता है वो एक sequence में होता है एक flow में होता है particularly ठीक है because it is the linear ये जो है स्टैक और क्यूज जो भी है ये सब क्या है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से so, सो इसमें जो डेटा जो होता है वो एक सिक्वेंस में होता है एक प्रॉपर सीरीज में होता है एक फ्लो में होता है ठीक है सो स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलो पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशन आर परफॉर्म ठीक है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टैक ये क्या है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी जो ऑपरेशन जो भी एक परफॉर्म करे एक सीरीज में होगा एक सीक्वेंस में होगा ठीक है सो द ऑर्डर मे बी लिफ और द फिलो सो so, जैसे हमने पहले ही देखा है कि स्टैक में जो डेटा एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं या डिलीशन जो होता है वो कैसे होता है लिफो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट ठीक है यानी जो एलिमेंट हम लास्ट में इन करेंगे वो सबसे पहले डिलीट होगा या बोल सकते हैं हम फिलो यानी फर्स्ट इन लास्ट आउट जो फर्स्ट इन होगा वो लास्ट में डिलीट होगा जैसे मैंने आपको इसको एग्जांपल बताया थे देर इज नंबर ऑफ एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था प्लेट्स का ठीक है यानी ट्रे में अगर हम प्लेट्स लग, रखते हैं तो अगर मुझे किसी प्लेट को डिलीट करना है तो मुझे सबसे पहले टॉप की जो प्लेट रहेगी वो सबसे पहले डिलीट करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं सबसे बॉटम में जो प्लेट है वो डिलीट कर सकती हूँ यानी जस्ट लाइक हम क्या बोल सकते हैं वर्टिकलरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अरेंज एक स्टैक में हम क्या कर रहे हैं डेटा को वन अबॉडी अनादर अरेंज कर रहे हैं ठीक है सो अगर मुझे डिलीशन परफॉर्म करना है तो जो सबसे लास्ट में मैंने एलिमेंट या जो भी प्लेट्स रखी है उसको मुझे सबसे पहले डिलीट करना पड़ेगा ठीक है देन अनादर वन एग्जाम्पल इज नथिंग बट द पर्टिकुलर बुक्स ठीक है अगर हमने कुछ बुक्स को एक सीरीज में अरेंज किया है इन द वन वन अबाउ द अनादर ठीक है वन अबो अनादर सो अगर इफ यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ न्यू बुक सो दिस बुक आर इंसर्टेड इन टू दी टॉप पोजिशन ठीक है यानी मुझे सबसे लास्ट में न्यू बुक को इंसर्ट करना पड़ेगा ठीक है या मुझे अगर डिलीशन करना है बॉटम की बुक का तो जब तक सारी ऊपर की बुक्स में डिलीट नहीं कर पाती या रिमूव नहीं कर पाती अलग सेपरेट नहीं कर पाती तब तक मैं बॉटम के बुक को uh, क्या कर सकती हूँ रिमूव नहीं कर सकती या वहाँ से हटा नहीं सकती हूँ ठीक है सो दिस इज द दिस इज़ द प्रिंसिपल दिस इज द वन वी कैन से दिस इज द रूल्स ऑफ द स्टैक ये एक रूल है स्टैक का कि आपको जो भी इंसर्शन या डिलीशन करना है वो हमेशा टॉप से करना है ठीक है सो दिस इज़ कॉल एज द इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक ठीक है तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बताया आपका बुक का है दे ऑल्सो द प्लेट्स ठीक है सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रैक दैट ऑलरेडी डिस्कस इन द यूनिट नंबर वन कि स्ट्रैक क्या होता है इट इज अ लिफो होता है इट इज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट जो लास्ट में इन करोगे वो पहले उसको हम रिमूव करना पड़ता है और उसका एग्जाम्पल मैंने भी बताया बुक्स हो सकता है या प्लेट्स हो सकता है ठीक है और मेनी अदर्स ठीक है जो हम वन अबो अन अदर पुट करते हैं या रखते हैं ठीक है तो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैक एंड देयर एग्जाम्पल्स देर सो स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट विद द रिस्ट्रिक्शन दैट एलिमेंट्स आर एडेड और डिलीटेड फ्रॉम ओनली वन एंड ऑफ द लिस्ट टर्म एज अ टॉप ऑफ द स्टैक जैसे मैंने आपको बताया है कि स्टैक का एक रूल है एक रिस्ट्रिक्शन ऐसा है कि आपको जो भी एलिमेंट को इंसर्शन करना है या डिलीशन करना है वो आपको टॉप से करना है ठीक है उसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक ठीक है वेन वी परफॉर्म द इंसर्शन ऑफ डिलीशन और ओनली वन एंड इट इज़ कॉल्ड एज द टॉप ऑफ द स्टैक उसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक सो द इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड एज अ पोल अगर हम एक सिस्टमेटिक लैंग्वेज में अगर बोलते हैं तो अगर इंसर्शन कर रहा है तो उसे बोलते हैं हम पुश ऑपरेशन और मुझे अगर ऐटम को डिलीट करना है ठीक है या नंबर ऑफ एटम को रिमूव करना है सो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज अ पॉप ऑपरेशन सो वेन ऐटम इज़ एडेड इन ऑन टू द स्टैक इट्ज कॉल्ड एज अ प पुश ऑपरेशन और वेन ऐटम्स आर रिमूट फ्रॉम द स्टैक इट इज़ कॉल्ड एज अ पॉप ऑपरेशन तो इसमें तीन फंडामेंटल होते हैं एक होता है कि टॉप ऑफ द स्टैक जिसमें हम इंसर्शन डिलीशन टॉप से होगा अगर मुझे इंसर्शन करना है एलिमेंट का आइटम को ऐड करना है तो उसको बोलेंगे हम पुश ऑपरेशन अगर मुझे आइटम को डिलीट करना है सो एट दैट टाइम वी कैन से दैट द पॉप ऑपरेशन ओके सो यहाँ पे वही सिंपल किया है कि अब जो करंट में जो आइटम रहेगा करंट में जो एलिमेंट रहेगा लास्ट एलिमेंट जो सबसे लास्ट में मैंने ऐड किया है वो हमारा होता है टॉप टॉप यानी इट इज़ कॉल्ड एज अ पॉइंटर ये करंट एलिमेंट के पोजीशन को पॉइंट करता है जैसे अभी करंट पोजीशन क्या 4 है फोर है जैसे हमने यहाँ पे फोर आइटम ऐड किए तो सबसे लास्ट आइटम कौन सा है फोर है तो टॉप एक इसको पॉइंट करेगा करंट पोजिशन ऑफ एलिमेंट यानी करंट एलिमेंट को वो पॉइंट करेगा फोर को ठीक है तो वही बताया मैंने पुश और पॉप दोनों भी ऑपरेशन होगी वो कहाँ हो से होगी टॉप से होगी दैट इज द बिगिनिंग से होगी ठीक है देन अगर मैं किसी आइटम को अगर रिमूव करती हूँ अगर मैं फोर नंबर के आइटम को रिमूव करती हूँ तो अभी आइटम कितने रहेंगे यहाँ फिगर बी में देखो वन टू थ्री तो यहाँ पे जो टॉप रहेगा वो कौन रहेगा आपका थ्री रहेगा ठीक है सो दिस इज नथिंग बट द योर टॉप ऑफ द स्टैक और पुश और पॉप ऑपरेशन उप ठीक है अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि हाउ टू परफॉर्म दी पुश एंड पॉप ऑपरेशन सो पहले तो आपका स्टैक एम है उसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है देन आफ्टर पुश वन यानी हमने क्या किया कि एक आइटम को पुश किया पुश इज नथिंग बट द इंसर्शन सो यू परफॉर्म द इंसर्शन देन पुश टू देन हमने क्या किया है टू को पुश किया है so, तो देखो आप पहले वन बॉटम में चले गए उसके ऊपर टू आया तो अभी टॉप जो रहेगा वो किसको पॉइंट कर रहा है टू को क्योंकि ऑलवेज टॉप पॉइंट टू द करंट एलिमेंट पोजीशन या करंट लोकेशन ऑफ द

फर्स्ट ऐटम और एटम एलिमेंट नंबर वन बिकॉज वी ऑलरेडी से दैट टॉप इज पॉइंट टू द करंट एलिमेंट पोजिशन और करंट एलिमेंट लोकेशंस ठीक है तो इस तरह से हम पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं आपको पुश भी करना है या पॉप भी करना है तो आपको टॉप से करना पड़ेगा बिगिनिंग से करना पड़ेगा और आपको अगर किसी आइट अगर आपके पास फोर आइटम है आपको लास्ट आइटम यानी आइटम नंबर वन जो सबसे पहले मैंने इंसर्ट किया उसको अगर डिलीट करना है तो आपको पहले ऊपर के थ्री आइटम को डिलीट करना पड़ेगा तभी आप लास्ट यानी वन नंबर के आइटम को डिलीट कर सकते हो जो बॉटम में सो दिस इज द रूल दिस इज द वन वी कैन से दिस इज द रूल ऑफ द पर्टिकुलर द स्टैक और दिस इज द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द टैक स्टैक ठीक है ऐसा हम बोल सकते हैं ठीक है सो दिस इज द ओनली हाउ टू परफॉर्म द पुश एंड पॉप ऑपरेशन एंड वॉट अबाउट द टॉप हियर वी डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर स्लाइड ओके देन नेक्स्ट सो नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैक ठीक है सो अगर कंप्यूटर सिस्टम को डेटा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना या अंडरस्टैंड करना है अगर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को अगर डेटा स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करती है कि ये डेटा स्ट्रक्चर क्या है तो वो किस बेसिस पे अंडरस्टैंड करती है दैट इज द रिप्रेजेंटेशंस आप उस डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो किस तरह से उसको स्टोरेज करते हो तभी हम कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये डेटा स्ट्रक्चर क्या है इसका पर्पस क्या है सो द कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेशन ठीक है तो आप डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते उस बेसिस पे जो होता है वो आपकी कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड करती है कि ये किस पैटर्न का या किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है तो हियर वी कैन सी दैट स्टैक हमने यहाँ पे स्टैक यूज़ किया है सो स्टैक कैन बी रिप्रेजेंट इन द मेमोरी विद द हेल्प ऑफ एरे तो यहाँ पे देखो हमने स्टैक को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अगर मुझे डेटा uh, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है कंप्यूटर मेमोरी में उसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है सो हियर वी यूज़ द स्टैक फॉर द इम्प्लीमेंटेशन तो हमने यहाँ पे स्टैक का यूज़ किया है फॉर द डेटा को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए इन यूर कंप्यूटर सिस्टम में सो स्टैक इंप्लीमेंटेशन में दो पार्ट्स होते हैं एक होता है आपका स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन और एक होता है डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन सो हियर वी वी से दैट स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन जो हम करने वाले हैं बाई यूजिंग एरे करने वाले हैं और डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन जो होने वाला है बाई यूजिंग द लिंक लिस्ट होने वाला है ठीक है सो देर आर द टू पार्ट्स ऑफ द स्टैक इम्प्लीमेंटेशन स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन एंड डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन दो स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे एंड डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन और डायनामिक रिप्रेजेंटेशन बाई यूजिंग द लिंक लिस्ट ओके सो स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर डेटा स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे बाय देर इन रिप्रेजेंटेशन तो आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो इन योर मेमरी लोकेशन एट दैट बेसिस द कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड अबाउट दी डेटा स्ट्रक्चर ठीक है सो ये वी यूज द स्टैक स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ मेमोरी अगर मुझे स्टैक को मेमोरी में कंप्यूटर मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है सो वी कैन यूज द एरे ऑल्सो तो हम एरे के थ्रू इट इज़ अ सिंपल बेस्ट एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल सो वी कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ एरे दैट इज वी कैन से दैट स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू द कंप्यूटर मेमोरी विद द हेल्प ऑफ एरे ठीक है सो इट इज कॉल्ड एज द स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन वी कैन से दैट वेन वी रिप्रेजेंट द स्टैक विद द हेल्प ऑफ एरे जब हम स्टैक को कंप्यूटर मेमोरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एरे इट इज कॉल्ड एज द स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉरी स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक और वी कैन से द स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक ठीक है सो so, जैसे अभी मैंने आपको बताया है इतने बार कि आ, कैसे एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं हम पर्टिकुलर एक स्टैक होता है उसमें जो एलिमेंट होगा वो जो भी एलिमेंट आएगा वो बॉटम पोजीशन पे जाते जाएगा जब तक आपका स्टैक पूरा फुल नहीं हो जाता ठीक है सो यहाँ पे हमने क्या क्या इन एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक न्यू एलिमेंट इंसर्टेड एज अ टॉप ठीक है अभी जैसे मैंने आपको बताया ये स्लाइड में कि जो भी नया एलिमेंट होता है इंसर्ट होता है वो कहाँ पर होता है पर्टिकुलर टॉप में होता है ठीक है अगर आपका साइज आ का साइज अगर फाइव है तो अगर आप फाइव एलिमेंट ऐड करते हो तो जो फिफ्थ नंबर का एलिमेंट जो होगा वो टॉप में रहेगा और फर्स्ट नंबर का जो एलिमेंट होगा वो कहाँ पे होगा आपका पर्टिकुलर पर्टिकुलरली लास्ट बॉटम पोजिशन में होगा जैसे कि इस डायग्राम में आपका जो आपने जो एलिमेंट इंसर्ट किए वो तीन एलिमेंट्स इंसर्ट किए थ्री एलिमेंट्स ठीक है सो फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज इन द बॉटम एंड द लास्ट एलिमेंट इज ऑलवेज इन द टॉप पोजिशन सो टॉप ऑलवेज पॉइंट टू द करंट एलिमेंट करंट एलिमेंट नथिंग बट योर थ्री सो स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूज एरे टू रिप्रेजेंट द स्टैक इन द मेमोरी ठीक है सो so, यहाँ पे एवरी न्यू इंसर्टेड एलिमेंट इज़ पॉइंटेड बाई द टॉप जो भी नया एलिमेंट इंसर्ट होगा उसको हम टॉप से पॉइंट करेंगे ठीक है सो so, सिंपली uh, अगर मुझे अगर हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो टॉप की भी पोजिशन डिक्रीमेंट होती जाएगी पहले टॉप अगर थ्री को पॉइंट कर रहे अगर मैं थ्री को रिमूव करती हूँ तो फिर टॉप किस को पॉइंट करेगा टू को अगर मैं टू को रिमूव करती हूँ टॉप किसको पॉइंट करेगा वन को तो इस तरह से जैसे जैसे आप एलिमेंट को रिमूव या आइटम को रिमूव भी करते हो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो वैसे उस तरह से टॉप भी आपका डिक्रीमेंट होते जाता है यानी वो क्या करेगा जो लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट है स्टैक में आफ्टर डिलीटिंग द अबो एलिमेंट तो उसको वो क्या करेगा पर्टिकुलर पॉइंट करेगा सो दिस इज द पर्टिकुलर सिंपल एक एक डायग्राम के थ्रू बताया मैंने कि स्ट कैसे होता है उसमें टॉप यानी आपका हमेशा फर्स्ट एलिमेंट हो लास्ट एलिमेंट होगा जो करंट रिसेंट में हमने ऐड किया है ठीक है और वो ही सबसे पहले डिलीट होगा देन उसके बाद ही उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स डिलीट होंगे ठीक है देन सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे अब इसमें देखो हमने क्या किया है पर्टिकुलरली कि एक हमने एरे लिया है ठीक है जिसका जो साइज है वो फाइव है ठीक है सो यर वी टेक द वन एरे दैट इज इंट ए आर इसका नाम क्या है ए आर आर और उसका साइज कितना है फाइव इट मीन्स दैट हम यहाँ पे फाइव एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं फाइव और लेस देन फाइव फाइव या फाइव से कम एलिमेंट को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं अब पहले तो बात कहता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे यानी क्या होता है सो एरे यानी क्या होता है कि अगर आपको स्टैक का साइज पता है यानी फिक्स साइज ठीक है इफ द इट इज यूजफुल टू द फिक्स साइज स्टैक हम एरे क्यों यूज़ कर रहे हैं हमने बोला ना हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग अरे एंड लिंक लिस्ट तो अगर आपके स्टैक का साइज फिक्स है यानी उसमें जो आप एलिमेंट इंसर्ट करने वाले हैं वो फिक्स है आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि इतना मेरा एरे का साइज़ है सो एट दैट टाइम ये सॉरी इतना मेरे स्टैक का साइज़ है तो एट दैट टाइम वी यूज़ द एरे दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे सो यानी अगर आपको स्टैक का साइज़ पहले से पता है उसमें कितने एलिमेंट होने वाले हैं देन वी यूज़ द पर्टिकुलर दी एरे लेकिन अगर आपको एरे का साइज सॉरी स्टैक का साइज पता नहीं है ठीक है एट अ रन टाइम यू कैन इंसर्ट द एलिमेंट्स ठीक है वो फ्लेक्सिबल है सो एट दैट टाइम यूज द लिंक लिस्ट सो डिफरेंस क्या है कि एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है दैट इज स्टैटिक और डायनामिक रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है स्टैक के तो हम स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग एरे करते हैं व्हेन द साइज ऑफ द स्टैक इज यू नो ठीक है यानी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इट इज़ यूजफुल फॉर द फिक्स साइज स्टैक यानी जब आपके स्टैक का साइज फिक्स है उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है तो एट दैट टाइम वी यूज द स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग द एरे और जब आपके स्टैक का साइज फिक्स नहीं होता वो फ्लेक्सिबल होता है सो एट दैट टाइम वी यूज द डायनामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैक बाय यूजिंग द लिस्ट सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन बाई यूजिंग एरे एंड डायनामिक रिप्रेजेंटेशन बाई यूजिंग दी लिंकलेस ठीक है तो यहाँ पर हम स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं डैट इज यूजिंग एरे सो यहाँ पे आपका जो साइज है स्टैक का वो कैसा है फिक्स है यानी मुझे साइज जो स्टैक का पता है ऑलरेडी कि कितना है जैसे वही मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है इन टार फाइव यानी मुझे स्टैक का साइज पता है मेरे स्टैक का साइज फिक्स है फाइव उससे अभी वो बढ़ेगा नहीं ठीक है अब उसमें आप कितना एलिमेंट ऐसा करते हो डिपेंड्स ऑन द यूजर वो एट मैक्स फाइव एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता है उससे ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकता है या मिनिमम फाइव से कम फाइव या फाइव से कम एलिमेंट को यहाँ पे वो इंसर्ट कर सकता है ठीक है सो दिस इज अबाउट डी डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड डायनामिक यूजिंग एरे एंड द लिंकलिस ठीक है सो इंसर्शन एंड डिलीशन एट द टॉप ऑफ द स्टैक होली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा स्टैक है तो उसमें जो इंसर्शन और डिलीशन होता है वो हमेशा कहाँ से होगा टॉप से होगा बिगिनिंग से होगा इनिशियली वेन द स्टैक इज एम टी टॉप इक्वल्स टू माइनस वन अब हमने यहाँ पर क्या कर चुका है कि इनिशियली टॉप इक्व टू माइनस वन यानी क्या होता है हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे टॉप नाम का ठीक है और उसकी वैल्यू जो होगी माइनस वन होगी इसका मीनिंग क्या होगा कि आपका स्टैक इज एम्प्टी जब भी आपको टॉप इक्वस टू माइनस वन दिखता है इट मीन्स दैट यूअर स्टैक इज एम टी इसका मीनिंग होगा कि आपका जो स्टैक है वो क्या है एम टी है उसमें कुछ, कुछ भी आइटम्स नहीं है ठीक है तो हमने एक सिंपल एक टॉप नाम का वेरिएबल लिया है उसको डिक्लेयर किया और उसकी हमने वैल्यू सेट कर दी है माइनस वन सो ये जब भी दिखेगा तो हम वी कैन से दैट द पर्टिकुलर स्टैक इज एम टी उसमें कोई एलिमेंट नहीं एंड देन द्यू एलिमेंट इज पुश एट द पोजिशन ऑफ टॉप जैसे अगर मुझे कोई एलिमेंट को एड करना है कुछ एटम को एड करना है पुश करना है इंसर्शन करना है सो एट दाइम क्या होगा फर्स्ट वैल्यू ऑफ टॉप इज़ इंक्रीज यानी पहले टॉप की वैल्यू इंक्रीज होगी यानी पहले टॉप कितना था माइनस वन था लेकिन जैसे मैंने सेवेंटी को ऐड किया ठीक है तो टॉप क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो सबसे पहले पहले क्या होगा टॉप की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट हो जाएगी पहले टॉप इक्वल्स टू जीरो होगा टॉप इक्वस टू माइनस वन था तो पहले टॉप इंक्रीमेंट होगा दट इज़ टॉप इक्व टू जीरो होगा और उसके बाद उसमें एलिमेंट सेवेंटी ये इंसर्ट होगी तो वही बताया है फॉर पुश ऑपरेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ टॉप इज़ इंक्रीज यानी पहले टॉप की वैल्यू इंक्रीज होगी टॉप की वैल्यू इनिशियली कितनी थी माइनस वन थी इट मींस द टॉप ऑफ का क्या था नल था तो वो भी इंक्रीज होगी तो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा एंड देन द न्यू एलिमेंट इज़ पुश एट द पोजिशन ऑफ द टॉप और उसके बाद जैसे टॉप की वैल्यू माइनस वन से ज़ीरो हो जाएगी तो उसमें हम जो भी आपको एलिमेंट ऐड करना है एरे में ठीक है जीरो पोजीशन पे इंडेक्सिंग जीरो पे अगर आप सेवेंटी ऐड करते हो तो उसके बाद वो सेवेंटी वैल्यू वहाँ पे ऐड हो जाएगी उसी तरह से हमने पहले सेवेंटी को ऐड किया देन एटी देन टेन देन फिफ्टी और फोर्टी तो इस तरह से हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं कितना अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ यानी कितना है साइज़ फ़ाइव है तो मैं यहाँ पर सिर्फ फाइव एलिमेंट्स को ऐड करूँगी फॉर इंडेक्सिंग ज़ीरो टू फोर बिकॉज वो इस रूल है उसका रूल है क्योंकि अगर आप आ, यू एरे यूज़ करते हो तो एरे में तो फिक्स साइज़ होता है इट इज़ यूजफुल फॉर द फिक्स साइज स्टैक तो इसमें स्टैक का साइज हमको ऑलरेडी पहले से फिक्स रखना पड़ता है वो इसका रूल है ठीक है देन फॉर पॉप ऑपरेशन अगर मुझे हाँ और एक इस बात है इसमें कि uh, हमें हमें कैसे पता चलेगा कि स्टैक एम टी नहीं है तो सबसे पहले हम उसमें इफ इफ कंडीशन यूज़ करते हैं इफ़ टॉप इक्वस टू इक्व टू माइनस और हम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर आपका टॉप माइनस वन है यानी इट इज़ द एम टी है सो वी कैन प्रिंट दैट प्रिंट दैट स्टैक इज एम टी क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि स्टैक नल है एम टी है यह कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जब आपको देखेगा टॉप इक्वल्स टू माइनस वन यानी इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो स्टैक है वो कम्प्लीटली एम टी है सो so हम वो इफ कंडीशन से चेक कर सकते हैं कि इफ टॉप इक्वस टू इक्व टू कंपेरिजन करेंगे माइनस वन है क्या अगर माइनस वन है यानी उसमें कुछ भी आइटम नहीं है सो वी कैन से दैट योर स्टैक इज एमटी ठीक है देन अगर मुझे स्टैक फुल है क्या ये भी अगर मुझे चेक करना है तो वो भी हम चेक कर सकते हैं इफ़ टॉप इक्व टू साइज माइनस वन ठीक है यानी हम इंडेक्सिंग कैसा लेते हैं जीरो से लेते हैं तो अगर मेरा साइज फाइव है तो फाइव माइनस वन है फोर तो अगर मेरा फोर तक एरे फोर तक या इंडेक्सिंग फोर तक अगर एलिमेंट एलिमेंट सारे पुटअप हो चुके हैं सो वी कैन से दैट स्टैक इज़ फुल नो न्यू ऑपरेशन इज परफॉर्म नो न्यू पुश ऑपरेशन हियर भी परफॉर्म क्योंकि आपका स्टैक पूरा क्या है फुल हो चुका है तो एम है तो ये भी हम चेक कर सकते हैं टॉप इक्व टू माइनस वन अगस्ट अरेकॉस्ट स्टैक फुल हो चुका है यानी अभी उसमें कोई भी स्पेस नहीं है सो दैट ऑल्सो वी कैन चेक बाय यूजिंग द इफ कंडीशन टॉप इक्व टू साइज माइनस वन क्योंकि अब इंडेक्सिंग जो होता है वो हमेशा जीरो टू साइज माइनस वन होता है और हम अगर एरे यूज करते हैं उसको हम इंडेक्सिंग जीरो से देते हैं ठीक है सो दिस इज अबाउट दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे तो हमने यहाँ पे पुश किया एलिमेंट को अगर मुझे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है सो हियर ऑल्सो पॉप में क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट एट द पोजिशन ऑफ द टॉप इज़ पॉपड एंड देन टॉप इज डिक्रीज यानी सबसे पहले अगर मुझे सपोज फोर्टी को डिलीट करना है तो सबसे पहले फोर्टी ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा देन टॉप की पोजिशन डिक्रीमेंट होगी इट इज़ द रिवर्स ऑफ द पुश ऑपरेशन पुश में क्या होता था कि पहले आपका टॉप इंक्री इंक्रीमेंट होता था और उसमें बाद आप एलिमेंट को इंस्टर्ट करते थे अब पॉप में क्या होता है कि सबसे पहले आपकी एलिमेंट डिलीट हो जाएगी देन आफ्टर योर टॉप इज डिक्रीमेंटेड यानी अगर आप फोर्टी को डिलीट करते हो सो द टॉप पॉइंट टू दर्ड पोजिशन दैट इज द टॉप इक्वल्स टू थ्री ठीक है सो पुश चेक फॉर ओवर फ्लो ठीक है अब पुश यानी क्या, क्या होता है इट चेक फॉर दी दरफ्लू ओवरफ्लू यानी क्या होता है पर्टिकुलर की कि आपका स्टैक कैसा है एकदम फुल है नो न्यू एलिमेंट इज इंसर्ट नो पुश ऑपरेशन इज परफॉर्म ठीक है यानी आपका स्टैक अगर पूरा फुल हो जाता है एट इज साइज माइनस वन सो इट मीन्स दैट आपका स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है उसमें आप पुश ऑपरेशन यानी किसी न्यू एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते यानी आपका जो साइज फाइव था वो पूरा साइज़ भर चुका है अभी कोई भी एम टी स्पेस नहीं है सो एट दैट टाइम यू नॉट परफॉर्म पुश ऑपरेशन और पॉप चेक द अंडर फ्लो अंडर फ्लो यानी क्या होता है कि पॉप का पर्पज क्या होता है एलिमेंट को डिलीट करने के लिए ठीक है लेकिन अगर आपका स्टैक अंडरफ्लो है यानी आपका स्टैक एमटी है नो एलिमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर ठीक है सो एट दैट टाइम वी कैन से दैट अंडर फ्लो यानी पॉप क्या चेक करता है कि वो पहले चेक करेगा कि आपका जो स्टैक है वो एम तो नहीं है अगर एम होगा तो हम न्यू एलिमेंट को ऐड नहीं कर पाएंगे ठीक है सॉरी uh, uh, अगर एम होगा तो हम एलिमेंट को डिलीट नहीं कर पाएंगे ठीक है सो so, पॉप का पर्पस क्या होता है कि वो चेक करेगा कि अंडर फ्लो तो नहीं है यानी अगर एम तो नहीं है अगर एम तो होगा तो हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर पाएंगे और पॉप का और पुश का फंक्शन क्या होगा कि ओवरफ्लो यानी स्टैक फुल तो नहीं हो चुका है मतलब ओवरफ्लो तो नहीं है अगर ओवरफ्लो होगा तो हम न्यू एलिमेंट को ऐड नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से हम पुश और पॉप ऑपरेशन को ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो के लिए चेक करते हैं तो ओवरफ्लो यानी स्टैक कंप्लीट फुल है सो हम उसमें नया आइटम ऐड नहीं कर पाएंगे और अंडरफ्लो जो होता है जिसको हम पॉप के थ्रू चेक करते हैं इसका मतलब होता है कि आपका स्टैक एम है क्या उसमें अगर कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा कुछ भी आइटम्स नहीं होगी तो हम डिलीट किसको करेंगे तो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ठीक है दिस इज़ अबाउट दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैक यूजिंग द एरे दे अब यहाँ पे हमने एक सिंपल uh, कोड लिया है प्रोग्राम लिया है सो so, इसमें देखो हमने पहले हेडर हेडरफा इंक्लूड किया है आई स्ट्रीम डॉट एच देन स्टूडियो एस टी डी आई ओ डॉट एच ठीक है देन यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी और हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक uh, ये क्लास क्रिएट किया है ठीक है स्टैक नाम का क्लास क्रिएट किया है और उसमें हमने क्या किया है एरे लिया है एरे का साइज कितना fix, uh, fix है फिक्स फिक्स है यानी फाइव है अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज हियर वी यूज द एरे स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन ठीक है देन अब उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे ठीक है इनिशियलाइज कर दिया हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है हमने टॉप नाम का एक वेरिएबल लिया उसको इनिशियलाइज कर दिया वो क्या पॉइंट करेगा कि करंट पोजिशन ठीक है जो लास्ट एलिमेंट एडेड होगा उसकी पोजिशन को क्या करेगा पॉइंट करेगा देन हमने यहाँ पे एक स्टैक का ये किया है क्या बोलते हैं उसमें uh, स्टैक नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है ठीक so, है सो इनिशलाइज जब हम इनिशलाइज करते हैं सो स्टॉप इक्वल्स टू माइनस वन क्या होता है इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो तो स्टैक है वो क्या है हमने एम है ठीक है तो हमने इनिशियलाइज किया है कि स्टैक पहले एम है उसमें कुछ भी आइटम्स नहीं है इनिशलाइज द स्टैक इन द स्टैक क्योंकि हमने ये जो एलिमेंट जो इंसर्शन होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है एक स्टैक में ठीक है सो हमने पहले इनिशलाइज कर दिया कि जो आपका टॉप है वो क्या है माइनस वो इट मीन्स दैट आपका जो स्टैक है वो क्या है एम है क्योंकि हमने अभी अभी देखा है कि जब हम टॉप इक्वल्स टू माइनस वन लिखते इट मीन्स दैट यूअर स्टैक इज एम टी देन हमने यहाँ पे एक पुश फंक्शन का यूज़ किया है हीयर वी टेक द आर्ग्यूमेंट एक्स इसमें हमने एक्स नाम का आर्ग्यूमेंट लिया है दिस इज द एलिमेंट वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे एलिमेंट या एटम को ऐड करेंगे यानी एक्स में ठीक है जैसे टेन ट्वेंटी थर्टी ये जो एलिमेंट्स होगी उसको हम एक्स आर्गूमेंट के थ्रू ऐड करने वाले हैं देन हियर वी चेक द टॉप इज ग्रेटर देन फोर यानी अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि जो टॉप है वो क्या है ग्रेटर देन फोर है क्या यानी uh, मतलब ग्रेटर देन फोर यानी क्या क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग जीरो टू फोर होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडेक्सिंग जो होता है वो जीरो टू फोर होता है और मेरा साइज कितना है पर्टिकुलर देर का फाइव है तो अगर मेरा स्टैक ऑलरेडी फुल है मतलब जीरो इंडेक्स से लेके फोर इंडेक्स तक सारे इंडेक्स में अगर वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है ठीक है तो मैं पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती ना क्योंकि मेरा स्टैक क्या ओवरफ्लो है सो हियर वी प्रिंट द ओवरफ्लो सी आउट इज नथिंग बट द प्रिंट क्या करेंगे हम ओवरफ्लो एंड एंड तो आप करेंगे ओवरफ्लो का मीनिंग क्या होता है कि आपका स्टैक पूरा फुल है उसमें आप न्यू एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते यानी जब आपका जो साइज़ है एरे का वो पूरा कंप्लीट फिल हो गया आइटम से ठीक है यानी साइज़ माइनस वन यानी जीरो टू फोर लेते हैं ठीक है सो इफ़ टॉप इज ग्रेटर देन फोर ठीक है यानी आपका टॉप जो है अगर आप आपका जो साइज़ है फाइव एलिमेंट का साइज है जो इंडेक्सिंग जीरो टू फोर और आप किसी सिक्स नंबर के एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो लेकिन उसमें तो स्पेस ही नहीं है ना क्योंकि स्टैक तो पूरा फुल हो चुका है उसमें फाइव एलिमेंट ऐड करना था और अपने सारे फाइव एलिमेंट ऐड कर चुके हो सो हियर वी नॉट पॉसिबल टू ऐड न्यू एलिमेंट हियर वी नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म द पुश ऑपरेशन सो फर्स्ट वी चेक दैट तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं है अगर ओवरफ्लो है तो हमें क्या करना पड़ेगा प्रिंट स्टैक इज ओवरफ्लो एंड नो न्यू एलिमेंट इज़ एडेड ठीक है अगर आपका स्टॉक ओवरफ्लो नहीं है यानी इट उसमें कुछ स्पेस है उसमें कुछ जगह है जिसमें एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं सो एट टाइम टॉप क्या करेंगे प्लस प्लस टॉप इक्वल्स टू एक्स यानी हम क्या करेंगे कि नई एलिमेंट को ऐड करेंगे यानी पहले टॉप अप का क्या हो जाएगा टॉप आपका इंक्रीमेंट होगा ठीक है और उसके बाद हम उसमें कुछ न्यू एलिमेंट को ऐड करेंगे तो वही होता है कि हम पहले टॉप को इंक्रीमेंट करते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब पुश ऑपरेशन करते हैं कि फर्स्ट द वैल्यू ऑफ टॉप इज़ इंक्रीज बाय वन तो हम अगर मुझे कुछ आइटम इंक्रीज़ करना है ठीक है तो मैं पहले टॉप की वैल्यू को इंक्रीज करूँगी देन वी एड द एलिमेंट ठीक है सो वही बोला है ए ऑफ एरे ऑफ प्लस प्लस टॉप इक्वल्स टू एक्स यानी हम सबसे पहले टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे ठीक है यानी अगर आपका टॉप थ्री था और मुझे अभी फोर्थ पोजीशन पे कुछ एलिमेंट को ऐड करना है तो आपका टॉप पहले फोर हो जाएगा और उसमें फिर हम जो भी फिफ्टी एटी वैल्यू ऐड करना है वो ऐड कर पाएंगे ठीक है ये हो गया आपका पॉप के लिए कि पहले सबसे पहले चेक करो स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं है अगर ओवरफ्लो है तो आप प्रिंट कर दो स्टैक इज ओवरफ्लो एंड उसमें स्पेस नहीं है अगर आपका स्टैक ओवरफ्लो नहीं है उसमें स्पेस है सो एट दैट टाइम वी परफॉर्म द प्लस प्लस टॉप और टॉप प्लस प्लस यानी इट मीन्स दैट फर्स्ट यू इंक्रीज द टॉप बाय वन एंड देन यू एड द एलिमेंट दैन वी एर वी परफॉर्म द पॉप ऑपरेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया बताया था पॉप ऑपरेशन में हम क्या चेक करते हैं अंडर फ्लो यानी स्टैक एम टी तो नहीं है अगर एम टी होगा तो उसमें कुछ डिलीट नहीं कर पाएंगे तो वही किया हमने यहाँ पर इफ टॉप इज़ लेस देन जीरो यानी उसमें कुछ भी आइटम्स नहीं है क्या कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है क्या इंडेक्सिंग जीरो पे या उसके नीचे कोई भी, भी अगर एलिमेंट नहीं है सो इट दैट टाइम वी प्रिंट अंडरफ्लो यानी स्टैक आपका एम टी है और नॉट परफॉर्म द पॉप ऑपरेशन यानी हम डिलीट किसी एलिमेंट को नहीं कर पाएंगे अगर आपका स्टॉप सॉरी uh, अगर आपका टॉप uh, जो है ये वो पॉइंट सम एलिमेंट और या वी कैन से दैट यूअर स्टैक हैव सम एलिमेंट्स आपके स्टैक में कुछ एलिमेंट्स है कुछ आइटम्स है सो so, आप उसको डिलीट कर करवाएगा यानी टॉप माइनस माइनस यानी सबसे पहले आप क्या करोगे एलिमेंट को डिलीट करोगे और उसके बाद आप टॉप को क्या करोगे डिक्रीमेंट करोगे जो मैंने अभी आपको बताया था देन डिस्प्ले डिस्प्ले में क्या करेगा सिंपली ये एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा ठीक है जितने भी आपके एलिमेंट्स हो गए स्टैक में तो उसमें हम जैसे यहाँ पे हम फॉरलुक अप्लाई करेंगे प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ स्टैक डिस्प्ले करने का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इंसर्शन डिलीशन करने के बाद जितने भी एलिमेंट्स रिमेनिंग रहेंगे उसको ये क्या करेगा डिस्प्ले करेगा तो हमने यहाँ पे एक फॉर लूप अप्लाई किया है फॉर इंट आई इक्वल टू टॉप यानी टॉप की पोजीशन अगर आपके स्टैक में अगर फोर एलिमेंट्स है तो आई इक्व टू फोर आई लेस देन इक्वल्स टू जीरो आई माइनस माइनस तो जब तक इंडेक्सिंग uh, फोर से लेके ज़ीरो तक नहीं आता आई की वैल्यू तब तक वो सारे एलिमेंट को क्या करेगा सिंपली प्रिंट करेगा सिंपली डिस्प्ले करेगा ठीक है उसके बाद हमने यहाँ पे मेन फंक्शन यूज़ किया है मेन फंक्शन में हमने चॉइस यूज़ किया है दिन आइटम लिया है स्टैक फंक्शन का एक्स स्टैक फंक्शन का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस नाम का ठीक है ये भी यूज है स्विच केस हमने यहाँ पे स्विच केस यूज़ किया है कि आपको पर्टिकुलर क्या परफॉर्म करना है ठीक है अगर यूज़र वन सेलेक्ट करता है तो वो पुश करेगा एलिमेंट को अगर वो चॉइस हमने सेलेक्ट किया ना यहाँ पर हमने चॉइस यूज़ किया है सो इधर चॉइस स्विच केस अगर आप चॉइस टू डालते हो तो एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं थ्री डालते हो तो डिस्प्ले कर सकते हो तो इस तरह से हमने क्या किया मेन फंक्शन को कॉल किया है ठीक है जिसमें हमने स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एज वेल एज हमने चॉइस क्रिएट किया कि यूजर को क्या करना है ठीक है रिटर्न जीरो जब यहां पे आउटपुट दो एंटर द योर चॉइस वन अगर हम वन चॉइस करते तो हम क्या करते हैं पर्टिकुलर दी पॉप पर्टिकुलरली सॉरी पुश ऑपरेशन हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो हमने यहां पे पहले टू देन थ्री देन फाइव और सेवन को इंसर्ट किया तो जब आप इसको डिस्प्ले करोगे तो डिस्प्ले करोगे तो क्या कैसे डिस्प्ले करोगे भले ही आपने टू को पहले इंसर्ट किया है लेकिन स्टैक में क्या स्टैक में क्या होता है जो एलिमेंट आप पहले इंसर्ट करते हो वो बॉटम में जाता है उसके ऊपर अब वो एलिमेंट जाते हैं तो आपने एंटर किया है टू थ्री फाइव सेवन तो वो डिस्प्ले कैसे होगा जब आप चॉइस थ्री डिस्प्ले करोगे तो सेवन फाइव थ्री टू क्योंकि जो सबसे पहले इंसर्ट किया था वो लिफो है ना लास्ट इन फर्स्ट आउट जो फील हो फर्स्ट इन लास्ट आउट यानी जो सबसे पहले इंसर्ट किया था वो सबसे बॉटम में जाएगा तो इस तरह से हम क्या कर सकते पुश ऑपरेशन परफॉर्म अगर मुझे डिलीट करना है पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है पर्टिकुलर अगर तो डिलीट जो होगा वो जो टॉप वाली एलिमेंट है वो ही पहले डिलीट होगी भले ही अगर मुझे टू को डिलीट करना है तो जब तक मैं सेवन फाइव थ्री तीनों एलिमेंट को डिलीट नहीं करती तब तक मैं टू को डिलीट नहीं कर पाऊँगी तो अगर हम इंटर द चॉइस अगर टू करते हैं पॉप तो क्या करेंगे तो हम क्या करें वो क्या डिस्प्ले करेगा एंड देन वी परफॉर्म द डिस्प्ले तो वो क्या डिस्प्ले करेगा पर्टिकुलर द फाइव थ्री टू ठीक है यानी एस सेवन एलिमेंट को डिस्प्ले डिलीट मार देगा दिस इज अबाउट द स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन बाई यूजिंग एरे देन अब डायनामिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि येर वी यूज द लिंक लिस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका स्टैक का साइज फिक्स नहीं है इट इज द फ्लेक्सिबल है ठीक है सो एट दैट टाइम वी कैन यूज द डायनामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक ठीक है So, यहाँ पे देखो डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट इट इज ऑल्सो कॉल अ लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैक अ सिंगली लिंक लिस्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ स्टैक हमने एक लिंक लिस्ट लिया है एक सिंगल लिंक अब लिंक लिस्ट यानी क्या होता है जिसमें होता है नोट एंड पॉइंटर जो हमने ऑलरेडी देखा है कि लिंक लिस्ट क्या होता है ठीक है वो यूनिट नंबर वन में देखा था हमने कि लिंक लिस्ट क्या होता है इज़ नथिंग बट द जिसमें नोड और पॉइंटर होता है और पॉइंटर जो होता है इज नथिंग बट द एड्रेस जो किसको पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड को ठीक है उसके लोकेशन को पॉइंट करता है सो so, यहाँ पे भी बिकॉज इट इज़ द स्टैक ये जो हम लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं या एरे जो यूज़ कर रहे हैं वो हम स्टैक में यूज़ कर रहे हैं तो स्टैक में तो एक रूल है कि जो भी भाई इंसर्शन इंसर्स डिलीशन होगा वो तो कहाँ से होगा टॉप से ही होने वाला है फिक्स सो so, अगर आप आई यूज दर यूज आरे का यूज करो या लिंकलिस्ट का यूज करो ठीक है दोनों भी प्लेस में अगर आप ये दोनों भी अगर आप स्टैक में यूज करते हो तो उसमें इंसर्शन डिलीशन जो होगा वो हमेशा बिगिनिंग से होता है एट इज द टॉप से होता है तो, तो वही पता है यहाँ पे किस्ट ऑनली रिक्वायर हेड नोट और द टॉप नोट वही पता कि द पॉसिबल एलिमेंट डैट कैन बी रिमूव और पॉप द टॉप एलिमेंट और क्या द नोट कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द न्यू हेड नोट यानी वही बताया कि आप अगर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो या पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हो बोथ ऑपरेशन आर परफॉर्म ऑन द बिगिनिंग बिकॉज इट इज़ द स्टैक और स्टैक का रूल ही है कि इंसर्शन डिलीशन फ्रॉम द टॉप वो होना चाहिए वो उसका रूल है इसलिए अगर आप लिंक लिस्ट यूज करो या एरे यूज करो उसमें वो रूल तो सब में वही सेम अप्लाई होने वाला है बस इसमें क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है साइज फिक्स नहीं होता है हमें पहले से साइज़ दे के रखने की ज़रूरत नहीं है हम रन टाइम पे भी साइज़ को बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं ठीक है सो यहाँ पे देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल है लिंक लिस्ट का यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पुश हमने किया है ठीक है देन से अब ये तो हमने वर्टिकल हॉरिजोनटल लिखा लेकिन जब स्टैक में लिखते हैं तो स्टैक में भी क्या बता है कि इंसर्शन डिलीशन फ्रॉम द टॉप होता है ना तो जो सबसे पहले आप ऐड करोगे एलिमेंट वो सबसे बॉटम में जाएगा तो जो लास्ट एलिमेंट है वो किसको पॉइंट करेगा सेकेंड लास्ट एलिमेंट को और सेकेंड लास्ट एलिमेंट किसको पॉइंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट को तो इस तरह से स्टैक में Uh, हम बाय यूजिंग लिंक लिस्ट एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं ठीक है थीके? जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेते जैसे कि uh, मेरा एक टॉप नोड है जिसमें मैंने एड्रेस रखा है टेन थाउजेंड सो फर्स्ट नोड जो है टेन ठीक है वो किस उसका मेमोरी लोकेशन कहाँ पे वो 10 है वो टेन ये जो नोड कहाँ पे है उस टेन थाउजेंड इज मेमोरी लोकेशन पे ठीक है देन uh, जो सेकेंड नोड है ट्वेंटी वो उस वो कहाँ पे प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है मेमोरी लोकेशन टू थाउजेंड पे ठीक है थर्ड नोड है आपकी थर्टी वो कहाँ पे प्रेजेंट है मेमोरी लोकेशन थ्री थाउजेंड पर तो सबसे लास्ट मैंने किसको ऐड किया है थर्ड नोड देट इज़ द थर्टी को ठीक है तो और उसके बाद अगर कोई नोड मैंने ऐड नहीं किया है नहीं थर्टी के मैंने टेन ट्वेंटी थर्टी थर्टी के बाद अगर मैं कुछ ऐड नहीं करती तो वो रिप्रेजेंट करेगा नल को ठीक है सो यहाँ पे थर्टी जो है उसका जो मेमोरी लोकेशन किसको पॉइंट कर रहा है पर्टिकुलरली थ्री थाउजेंड को देन ट्वेंटी का जो मेमोरी लोकेशन किसको पॉइंट कर रहा है टू थाउजेंड को ठीक है और टू थाउजेंड का जो मेमोरी लोकेशन और टेन का जो मेमोरी लोकेशन किसको पॉइंट कर रहा है टॉप इज़ नथिंग बट द वन थाउजेंड सो इस तरह से हम पर्टिकुलरली uh, स्टैक में लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं यानी लास्ट एलिमेंट जो पुछ गया वो किसको पॉइंट करता है प्रीवियस नोड को ठीक है इस तरह से यहाँ पे एरो अगर आप पोजिशन देखोगे तो एरो की पोजिशन देखो कैसी है बैकवर्ड साइड है तो ये बोला है कि इन लिंक हाँ द पॉइंटर एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू द एथ एलिमेंट हैज़ टू बी मेंटेन द लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैक रिक्वायर्स फॉलिंग टू स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना पड़ता है ठीक है एंड कंटेनिंग सम फील्ड्स हम यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर को डिक्लेरेशन करेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा देन उसके बाद हेयर वी पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड और द नेक्स्ट नोड ठीक है सब so, वो कैसे होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे एक स्ट्रक नोड हमने पहले एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं सो लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन यूजेज द स्ट्रक्चर विच इज़ द कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा आइटम्स ठीक है हमने स्ट्रक्चर भी देखा था जैसे हमने देखा था कि पर्टिकुलर एड्रेस uh, होता है उसमें नेम सिटी पिन कोड पर्टिकुलर फ्लैट नंबर सो ये जो हमने यूनिट नंबर वन में एग्जाम्पल देखा था उसमें हेट्रोजीनियस डेटा आइटम्स होते हैं तो यहाँ पे भी हमने एक नोट क्रिएट किया है हम यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे इसका जिसमें हम एक नोट क्रिएट करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे डिफरेंट डेटा को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे स्ट्रक नोड स्टार नेक्स्ट इसका मीनिंग क्या होता है कि जो स्ट्रक नोड है उसका जो पॉइंटर होता है वो एड्रेस किसको करता, करता है या पॉइंट किसको करता है नेक्स्ट नोट को ठीक है सो दिस इज द ओनली डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर कि आपको एक नोट बनाना है जिसमें होगा आपका डेटा और उसमें होगा पॉइंटर जो हमने यहाँ पे फिगर में बताया है ठीक है स्टार नेक्स्ट का मतलब क्या होता है इट इज़ द पॉइंटर वो पॉइंट करेगा किसको पॉइंट करेगा कि जो आपकी जो अपकमिंग नोड है ठीक है उसको पॉइंट करेगा यानी आप जब भी नोड क्रिएट करते हो तो उसमें जो पॉइंटर फील्ड होता है उसमें हम एड्रेस लिखते हैं और एड्रेस हमेशा किसको पॉइंट करता है कि जो न्यू नोड आने वाली है उस वो कहाँ पे प्रेजेंट है उसका मेमोरी लोकेशन क्या है क्योंकि हम जब भी एलिमेंट या आइटम को पुट करते हैं या नोट में डेटा को इंसर्ट करते हैं तो पर्टिकुलर हम मेमोरी लोकेशन पर किसी एड्रेस पर उसको हम क्या करते हैं पुट करते हैं तो अगर आप ट्वेंटी को इंसर्ट करते तो उसका एड्रेस क्या है वो कहाँ पे प्रेजेंट है वो टू थाउजेंड पे या वो टू थाउजेंड एड्रेस लोकेशन पे प्रेजेंट है इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है जब भी हम लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं तो नोड एंड पॉइंटर सो पॉइंटर कैन बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ स्टार एस्करी सिम्बॉल से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हमने डायनापिप जैसे हमने स्टैक में देखा था पुश पॉप ऑपरेशन सो हियर ऑल्सो वी परफॉर्म द पुश एंड पॉप ऑपरेशन एंड ट्रैवर्स ऑपरेशन सो पुश ऑपरेशन में क्या होता है कि जैसे हमने देखा था कि हम जब एरे में पुश ऑपरेशन यूज करते थे तो टॉप इक्वल्स टू माइनस वन इट मीन्स दैट यूएस स्टैक इज एम जब आप टॉप इक्वल्स टू माइनस वन लिखते हो इसका मीनिंग क्या था कि आपका जो स्टैक है वो क्या है एम है बट हियर इन द लिंक लिस्ट डायनामिक रिप्रेजेंटेशन में जब आप टॉप इक्वल्स टू नल लिख हो इट मीन्स दैट यू स्टैक इज एम यानी उसमें कोई भी नोड नहीं है तो दिस इज द डिफरेंस कि वहाँ पे टॉप इक्वस टू माइनस हुआ होता है इट इज योर स्टैक इज एम और यहाँ पे लिखते हैं टॉप इक्व टू नल ये इसका वे है लिखने का तो इस मीन्स दैट यूअर स्टैक इज एमटी देर इज नो एनी नोट इसमें हम नोट बोलते हैं ठीक है सो वर्क बाय रिसीविंग द डेटा वैल्यू टू पुश ऑन टू द स्टैक अमंग विद द टारगेट स्टैक क्रिएटिंग अ न्यू नोट इन टू जब भी हम कोई न्यू नोट क्रिएट करते हैं ठीक है ठीके? तो उसका जो मेमोरी एड्रेस होता है हम वो पर्टिकुलर टेम्प वेरिएबल में स्टोर करते हो अगर मुझे अगर टेन ये नोट को एड करना है तो उसका जो एड्रेस होगा जैसे टेन थाउजेंड है उसका एड्रेस तो so वो एड्रेस कहाँ पर होगा आपके टेम्प वेरिएबल में होगा हीयर वी यूज द टेम्प्ररी वेरिएबल ठीक है एंड हीयर वी अलोकेटिंग द और उसको हम एक मेमोरी भी अलॉकेट करते हैं क्योंकि उसमें मैंने एड्रेस स्टोर किया किसी so that, temp, that, है किसी नोट का सो फॉर दैट हीयर वी टेक अ टेम्प्रेरी वेरिएबल टेम्प एंड हरसो भी अलोकेटिंग द मेमोरी फॉर देट ठीक है एंड देन इंसर्टिंग इट इंटू द लिंक लिस्ट बाय चेकिंग द स्टेटस ऑफ टॉप ठीक है और जो भी न्यू नोट जिसका हमने एड्रेस जो है वो हमने टेम्प में स्टोर किया है वो हम कहाँ पे ऐड करेंगे वो नोट जो रहेगी जैसे टेन है ठीक है अगर मुझे ऐड करना है तो वो हम कहाँ पे ऐड करेंगे स्टैक में लेकिन सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपका जो स्टैक है वो क्या है नल है क्या एम्प्टी है क्या ठीक है देन अगर आपका स्टैक एम नहीं है अगर वो पूरा फुल हो चुका है सो हियर वी नॉट परफॉर्म द पुश ऑपरेशन जस्ट लाइक अ एरे जैसे हमने स्टैटिक uh, रिप्रेजेंटेशन में किया था कि अगर आपका स्टैक पूरा फुल है तो हम ओवरफ्लो है तो उसमें न्यू एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाते सेम हियर ऑल्सो कि आपका अगर स्टैक अगर यहाँ पे फुल होगा ठीक है तो हम यहाँ पे न्यू एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे ठीक है सो यहाँ पे देखो क्या बताया है कि चेकिंग द स्टेटस ऑफ टॉप इफ टॉप इज नल देन एलिमेंट इंसर्ट इन टू द इज़ नल देन द फर्स्ट एलिमेंट इन सर्ट स्टैक यानी अगर आपका जो टॉप है वो नल है एम है तो हम क्या करेंगे उसमें न्यू एलिमेंट को या न्यू नोड को ऐड कर पाएंगे एंड इट नेक्स्ट फील्ड विल बी नल ठीक है और क्योंकि अभी हमने बस एक ही नोड को ऐड किया है तो ऑब्वियसली तो उसका जो नेक्स्ट फील्ड होगी वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है ना क्योंकि कोई क्यों नई नोड आई नहीं है तो वो किसको पॉइंट point करेगा पॉइंटर क्या करता है पॉइंट करता है एड्रेस को मेमोरी लोकेशन ऑफ़ द नेक्स्ट एलिमेंट जो भी न्यू एलिमेंट होगी उसके मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट करता है ठीक है सो so, अगर आपने स्टैक पूरा एम है और उसमें एक भी नोट नहीं और आपने बस एक नोट उसमें इंसर्ट किया है ठीक है तो उसका जो सेकंड पार्ट जो होगा जैसे यहाँ पे जो होता है ना सेकंड पार्ट क्या होता है फर्स्ट पार्ट इज डेटा सेकंड पार्ट इज़ पॉइंटर तो पॉइंटर जो होगा वो नल होगा इट मीन्स डैट वो एम है उसके बाद कोई भी न्यू नोट यहाँ पर इंसर्ट नहीं हुई है ठीक है देन उसके बाद इफ़ टॉप इज़ नॉट नल अगर आपका टॉप नल नहीं है यानी उसमें अभी कुछ ना कुछ तो नोड है भले एक नोड है या दो नोड है सो इफ टॉप इज नॉट नल देन टेम्प नेक्स्ट पॉइंट टू द एग्जिस्टिंग टॉप एंड नाउ टेम्प विल बी द न्यू टॉप तो अब क्या करेगा कि जो आपका जो टेम्प होगा वो किसको पॉइंट करेगा नेक्स्ट पॉइंट टू द एग्जिस्टिंग टॉप यानी इट मीन्स दैट पर्टिकुलरली जो भी न्यू uh, टॉप होगा यानी जो भी नया एलिमेंट हम ऐड करने वाले हैं उसके पोजीशन को क्या करेगा पर्टिकुलरली पॉइंट करेगा क्योंकि इट इज़ ऑल नथिंग बट द ये स्टैक है और स्टैक में हम आ, जो लास्ट एलिमेंट एडिट होता है उसको वो पॉइंट करते हैं ठीक है सो हियर आल्सो इट पॉइंट टू द रिसेंट एलिमेंट ठीक है या उसका जो एड्रेस होगा उसको वो पॉइंट करेगा तो अब हमने यहाँ पे एक सिंपल कोड लिखा है सो एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्ट पहले हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है ठीक है पर्टिकुलर इंसर्ट जो होगा एलिमेंट वो पर्टिकुलर किसमें एलिमेंट होगा पर्टिकुलर द एड्रेस पे ठीक है सो यानी जैसे हम टेम्प लेते हैं ठीक है तो हमने क्या किया है यहाँ पे कि स्ट्रक नोट स्टार्ट टेम्प हमने एक टेम्प्ररी वेरिएबल का यूज़ किया है ठीक है सो हियर बी यूज द टेम्प्रेरी वेरिएबल टेम्प ठीक है और उसके बाद हमने क्या किया है कि पर्टिकुलर आ, उसमें हमने जो भी आपको न्यू नोट इंसर्ट करना है सपोज अगर आपको टेन थाउजेंड इंसर्ट करना है तो उसको हम क्या करेंगे वहाँ पर प्रजेंट करें या उसको हम रिप्लेस करें या सॉरी उसको हम वहाँ पर पुटअप करेंगे सो यहाँ पर देखो Uh, हमने एक नोट क्रिएट की है पहले तो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ठीक है स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने एक स्टैक बनाया उसमें अभी हमें कुछ नोट को ऐड करना है सो इक्वल्स टू स्ट्रक नोट मैलॉक साइज ऑफ द स्ट्रक नोट तो हम यहाँ पे मैलॉक फंक्शन का यूज़ करते हैं मैलॉक फंक्शन का पर्पज क्या होता है टू पास द साइज ऑफ नोट ठीक है देन वी कैन से दैट टू पास द साइज ऑफ नोट एंड दैट वी आर कलेक्टिंग इन टू द टेम्प वेरिएबल ठीक है हम नोट के साइज़ को पास करेंगे ठीक है और उसका जो भी ये रहेगा पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसकी जो वैल्यू रहेगी ठीक है वो कहाँ पे कलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर इनटू टू द टेम्प वेरिएबल बट वी रिक्वायर्ड द पॉइंटर ऑफ द नोड लेकिन हमें क्या चाहिए होता है पॉइंटर क्योंकि टेम्प में हम क्या स्टोर करते इट इज द एड्रेस हम टेम्प में एड्रेस स्टोर करते हैं या इट नथिंग बट द पर्टिकुलर जो भी आप एलिमेंट इंसर्ट करने वाले हो उसका लोकेशन क्या है वो हम वहाँ पे क्या करते हैं टेम्प में पुटअप करते हैं ठीक है सो हमने एक स्टैक बनाया है स्टैक के बाद उसमें हमने क्या किया है कि इफ टॉप इक्वस टू नल तो अभी हम पहले कंडीशन चेक करेंगे सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है पहले आपको इफ कंडीशन चेक करनी है कि टॉप नल है क्या ठीक है अगर टॉप इक्वस टू नल ठीक है सो so, टैम्प अगर नल है तो हम क्या करेंगे टेम नेक्स्ट इक्व टू नल तो जो भी आपकी नल नोड होगी या अगर स्टैक नल है एम टी है तो आप उसमें पर्टिकुलर क्या करोगे जो भी आप न्यू नोड अगर ऐड करना चाहते हो तो उसका जो पॉइंटर फील्ड होगा उसको आप नल से रिप्रेजेंट करोगे ठीक है सो एस टेम पॉइंट टू द नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप ठीक है सो so, अगर आपका टॉप नल नहीं है तो उसमें क्या होगा हम पर्टिकुलर जो होगा कि जो भी वैल्यू आपने टॉप में पुटअप की है वही वैल्यू हम इसमें इंसर्ट कर देंगे टेम में करेंगे यानी देखो कैसे होगा प्रीवियसली हम चेक करेंगे कि आपका टॉप नल है क्या यानी स्टैक में नो no नोड है बट एक नोट अगर है उसमें सके पहले सबसे पहले तो हम चेक करेंगे टॉप नल है क्या ठीक है यानी स्टैक एम है क्या ठीक है अगर एम है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं नई नोट को इंसर्ट uh, कर सकते हैं ठीक है थीके? या अगर स्टैक में स्पेस है तो हम न्यू नोट को यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे ठीक so, है सो मैलॉग फंक्शन का पर्पज़ क्या होता है टू पास द साइज ऑफ द नोट साइज का नोट क्या है नोट का साइज़ क्या है वो पास करता है ठीक है एंड दैट वी आर कलेक्टिंग देयर एड्रेस वी आर कलेक्टिंग टू द टेम्प वेरिएबल ठीक है देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि पर्टिकुलर uh, uh, क्या होता है कि अगर स्टैक uh, मतलब एम टी है तो हम प्रिंट कर देंगे कि पर्टिकुलर स्टैक इज एम टी और उसमें वी वी परफॉर्म द पुश ऑपरेशन तो हम उसमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ठीक so, है सो हियर वी कैन से टेम पॉइंट टू द नेक्स्ट इक्वल्स टू नल यानी प्रीवियसली टॉप नल है ठीक है तो उसमें अगर मुझे किसी न्यू नोट को ऐड करना है तो हम क्या कर सकते एक नोट को ऐड करेंगे जैसे हमने टेन इस नोट को ऐड कर दिया ठीक है और उसका जो पॉइंटर फील्ड है वो नल ले क्योंकि उसके बाद किसी कोई न्यू नोट है ही नहीं उसको वो किसी न्यू नोट को पॉइंट नहीं कर रहा है सो द नाउ द टॉप पॉइंट टू देन यहाँ पे क्या हो जाएगा टॉप पॉइंट टू यानी हमने टेम्प में टेन थाउजेंड पुट किया था क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सो एट दैट टाइम यूज़ द टेम वेरिएबल ठीक है so यानी जो भी आपको नई नोट को इंसर्ट करना है जो भी नोट को डिलीट करना है उसका एड्रेस हम टेम्प में लिखते हैं ठीक है सो अगर मुझे न्यू नोट को इंसर्ट किया मैंने पहले स्टैक एम था मैंने न्यू नोट को इंसर्ट किया ठीक है तो वो जो न्यू नोट मैंने इंसर्ट किया था उसका एड्रेस किस पे लिखा था टेम फेरियबल में कि टेन थाउजेंड उसका एड्रेस है और उस एड्रेस पे मुझे टेन वैल्यू को इंसर्ट करना है तो हमने स्टैक में वही किया कि टेन थाउजेंड एड्रेस पे हमने टेन वैल्यू को इंसर्ट कर दिया और टेन का जो पॉइंटर है वो क्या है नल है क्योंकि उसके बाद कोई न्यू एलिमेंट है ही नहीं ठीक है देन एल्स में हमने देखा कि टेम्प पॉइंट टू नेक्स्ट इक्वल टू टॉप एंड टॉप इक्वल्स टू टेम्प यानी क्या हो जाएगा कि अभी आपको पास आपके स्टैक में एक नोड मिल गई है आपके स्टैक में एक एलिमेंट है एक नोड है सो अभी टॉप किसको पॉइंट करेगा कि जो रिसेंट नोड ऐड हुई है उसको पॉइंट करेगा सो इसलिए हमने टेम्प में जो टेन थाउजेंड था जो एड्रेस था वही एड्रेस हम किस में डाल देंगे टॉप में क्योंकि आइदर यू यूज़ द टेम्प और एदर यूज द टॉप बोथ आर पॉइंट टू द एड्रेस ये दोनों भी एड्रेस को ही पॉइंट करते हैं ठीक है तो सबसे पहले टॉप आपका नल था कुछ भी एलिमेंट नहीं था जब जैसे ही मैंने वहाँ पे एक नोड ऐड कर दी जिसका एड्रेस है वन थाउजेंड ठीक है तो वो जो मैंने उसको एड्रेस को इंसर्ट कर दिया तो टॉप किसको पॉइंट करेगा अभी अपकमिंग नोट कौन सी नोट है रिसेंट नोट इट इज़ द टेन थाउजेंड वाली नोट जिसकी वैल्यू है टेंथ तो वो उसको पॉइंट करेगा ठीक है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो इनिशियली आपको चेक करना है कि आपका टॉप इक्को सो नल है क्या स्टैक एम है क्या ठीक है यानी उसमें स्पेस है क्या इट मीन्स नॉट डेट कि वो पूरा एम है उसमें स्पेस है क्या ठीक तो है तो अगर स्पेस है तो उस ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे जैसे हमने एरे में देखा था स्टैक यूजिंग एरे ठीक है तो अगर ओवरफ्लो नहीं है तो उसमें हम क्या करेंगे इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे और अगर इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या कोई भी अगर नोड ऐड करते हैं तो इसमें हम टेम्प वेरिएबल का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि जो भी आपको ऐड करना है नोड स्टैक में तो उसका जो एड्रेस होता है पॉइंटर एड्रेस जो होता है वो आपको कहाँ पर रखना पड़ता है टेम्प्रेरी वेरिएबल में ठीक है कि बाबा टेम्प में हमारा टेन थाउजेंड है और टेन थाउजेंड पर मुझे टेन ये एलिमेंट को इंसर्ट करना है ठीक है और उसके बाद अभी आपके स्टैक में एक न्यू एलिमेंट या न्यू नोड आ चुका है जिसका एड्रेस है टेन थाउजेंड और नोड है टेन तो अब हम टॉप किसको पॉइंट करेगा पहले टॉप पॉइंट करता था नल को क्योंकि स्टैक एम था लेकिन अभी तो कुछ तो एक नोड आ चुकी है ना स्टैक में तो अभी टॉप किसको पॉइंट करेगा पर्टिकुलर जो अभी अपकमिंग जो नोड आई है रिसेंट जो नोड आई है उसको पॉइंट करेगा तो इसलिए यहाँ पर लिखा है टेम्प इक्वस टू टॉप इक्वस टू टेन ठीक है देन नेक्स्ट वन इज द पॉप ऑपरेशन सो ये सिंपल है पुष ऑपरेशन जैसे हमने वहाँ पर देखा था एरे में बाई यूजिंग एरे स्टैक स्टैटिक रिप्रजेंटेशन बाई यूजिंग एरे यहाँ पर भी वही है कि पहले चेक करो एम टी है क्या एम टी अगर है तो हम उसमें टेम फेरिएबल का यूज करेंगे टेम फेरिएबल में एड्रेस डालेंगे जो भी नोट मुझे इंसर्ट करना है और जैसे ही न्यू नोट वहाँ पर आ जाती है तो टॉप उस न्यू नोट को पॉइंट करता है इसलिए यहाँ पे टॉप इक्व टू टेम्प हम लिखते हैं देन पूछो पॉप ऑपरेशन जस्ट लाइक अ डिलीट ऑपरेशन इसमें क्या होता है रिमूव द हेड ऑब्लिक टॉप फ्रॉम द लिंक लिस्ट एंड असाइन द टॉप पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोट चेक वेदर द लिस्ट इज एम बिफोर पॉपिंग फ्रॉम इट ठीक है तो जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि इसमें स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन में कि आपको पहले चेक करना है कि स्ट्रैक आपका एम है क्या अगर एम टी होगा तो आप किसको डिलीट करोगे पॉपिंग इट नथिंग बट द डिलीशन तो आप डिलीट किसको करोगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका स्ट्रैक जो है वो एम तो नहीं है अगर एम होगा तो आपको प्रिंट करना पड़ेगा कि आपका स्टैक क्या है एम है ठीक है आपको प्रिंट करना पड़ेगा स्टैक इज एम सो अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया है एक स्ट्रक्चर बनाया है स्ट्रक नोट स्टार टेम्प ठीक है हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है ठीक है ऑल ऑपरेशन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ टेम्पेरियबल जैसे मैंने आपको बताया पुश ऑपरेशन में जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प हम कैसे करते हैं टेम्पेरिएबल के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं सो so, यहाँ पे टेम्प इक्वल्स टू टॉप का मीनिंग क्या होता है की पर्टिकुलर की वेन वी हैव टू डिलीट सो वी डिलीट टॉप सो यानी अगर मुझे किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं उसको उसके लोकेशन से डिलीट करते हैं ठीक है थीके? वी डिलीट टॉप की वैल्यू जो भी होगी वो हम उसके लोकेशन में प्रेजेंट होनी चाहिए यानी उस लोकेशन जो भी लोकेशन प्रेजेंट रहेगा टैम्प में जो मेंशन किया रहेगा उस लोकेशन के थ्रू हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे ठीक है सो Uh, अब यहाँ पे देखते हैं कि टॉप इक्वनल है कि अगर टॉप एम है तो हम प्रिंट करेंगे स्टैक इज एम टी एल्स हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है नोट स्टार टेम्प यानी नोट का जो uh, टेम्प जो होगा वो किसको पॉइंट करता है नोट स्टार यानी नोट जो भी आपकी नोट टेन है उसका जो जिस एड्रेस पे वो स्टोर होने वाली है जिस लोकेशन पे वो स्टोर होने वाली उस लोकेशन को उस एड्रेस को पॉइंट करता है टेम्प इसलिए हम टेम्प पे हमेशा क्या लिखते हैं जैसे अगर हमें लास्ट इंसर्टेड नोट मेरी अगर फोर्टी है जिसका मेमोरी लोकेशन है कितना है फोर थाउजेंड है ठीक है तो टेम्प जो होगा वो फोर थाउजेंड को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है और टॉप भी किसको रिप्रेजेंट करता है लास्ट वाली नोट को तो टॉप भी किसको रिप्रेजेंट करेगा पर्टिकुलर फोर थाउजेंड को यानी हम क्या करते हैं एड्रेस जो होता है हर एक नोट का वो हम मेंशन करते हैं टेम में क्योंकि यहाँ पे जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले बाय यूजिंग द टेम आपको टेम फेरिएबल कंपल्सरी लगने वाला है और टॉप भी किसको पॉइंट करेगा जो टॉप में एलिमेंट है उसका एड्रेस को तो यहाँ पे जो होता है डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन में लिंक लिस्ट में हम जो भी पॉइंट होता है वो एड्रेस को पॉइंट किया जाता है इधर आप टॉप बोलो या टेम बोलो ठीक है उसमें हम पर्टिकुलर दी एड्रेस उस नोट का एड्रेस क्या है क्योंकि अगर आपको एड्रेस पता होगा तो आप उस एड्रेस पर डेटा इजीली ट्रांसफर कर पाओगे ठीक है तो उस एड्रेस को ये पॉइंट करता है ठीक है सो यहाँ पे भी हमने सिंपल वही किया है ठीक है कि एल्स टॉ टेम्प इक्व टू हम क्या करेंगे टॉप इक्व टेम टू नेक्स्ट ठीक है यानी अगर मैं सपोज ये नोट को डिलीट करती हूँ अगर एट इज फोर थाउजेंड लोकेशन में जो भी फोर्टी है वो डिलीट करते हैं ठीक है तो यहां पे क्या होगा जो टॉप होगा किसको पॉइंट करेगा पर्टिकुलर दी प्रीवियस प्रीवियस यानी डिक्रीमेंट होगा यहाँ पे टॉप ठीक है सो हियर वी कैन से दैट की पर्टिकुलर टॉप इक्वल्स टू टेम टू सॉरी हाँ यहाँ पे क्या होता है कि सपोज अगर मैंने ये नोट को डिलीट किया कौन से नोट को डिलीट किया फोर्टी वाली नोट को फोर थाउजेंड को तो टॉप किसको पॉइंट करेगा अब यहाँ पे टॉप पॉइंट करेगा पर्टिकुलरली थ्री थाउजेंड को यानी किसके एड्रेस को पॉइंट करेगा क्योंकि मुझे थर्टी नोट को डिलीट करना है थर्टी नोट का एड्रेस कितना है थ्री थाउजेंड देखो मैंने जहाँ पे नीचे लिखा है ना टेन के नीचे वन थाउजेंड ट्वेंटी के नीचे टू थाउजेंड थर्टी के नीचे थ्री थाउजेंड और फोर्टी के नीचे फोर थाउजेंड यानी ये जो है उसका वो एड्रेस है उस एड्रेस पर ये नोट प्रेजेंट है तो अगर मुझे किसी भी नोट को डिलीट करना तो उसके उसके एड्रेस को टेम्प में डालना पड़ेगा उसका एड्रेस को टॉप में डालना पड़ेगा ठीक है so, सो हमने यहाँ पे क्या करेंगे अगर कि अगर मुझे डिलीटिंग करना है अगर मुझे ये फोर्टी नोट को डिलीट करना है तो मुझे टैंप में क्या रखना पड़ेगा फोर्टी सॉरी फोर थाउजेंड उसका एड्रेस को और फिर मैं क्या करूँगी वो फोर थाउजेंड को डिलीट कर दूँगी ठीक है तो टॉप भी किसको पॉइंट करता था पहले फोर थाउजेंड को पॉइंट करता था लेकिन जैसे ही मैंने फोर थाउजेंड नोट को डिलीट कर दिया ठीक है तो वो किसको पॉइंट करेगा थ्री थाउजेंड नोट को यानी थर्टी को वो पॉइंट करेगा ठीक है सो जो आपका होगा कि जो भी आपको डिलीट करना होता है वो भी आप टेम्प पे लिखते हो उसका एड्रेस और जो भी आपको इंसर्ट करना है उसका भी एड्रेस आप पर्टिकुलर टेम्प पे लिखते हो ठीक है तो जैसे आप डिलीट कर दोगे टॉप यहाँ पे डिक्रीमेंट हो जाएगा वो पॉइंट करेगा थर्टी नोट को जिसका एड्रेस है थ्री थाउजेंड तो यहाँ आप पे आपके टेम्प में आ जाएगा थ्री थाउजेंड और टॉप में भी आ जाएगा थ्री थाउजेंड ठीक है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं पर्टिकुलर पर्टिकुलरली आइटम को डिलीट करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि फ्री टेम्प यानी हम क्या करेंगे जैसे अगर मुझे डिलीट कर दिया मुझे कुछ डिलीट नहीं है तो हम ये जो टेम्प्रेरी वेरिएबल यूज़ किया था ना उसको भी डिलीट कर देंगे उसको फ्री कर देंगे उसमें नल डाल देंगे यानी अभी मुझे कुछ डिलीट नहीं करना है ठीक है तो इस तरह से आपका पॉप ऑपरेशन होगा यूज़ द पुश और पॉप यूज द वेरिएबल इंसर्शन करना है तो उसका एड्रेस आप टेप में डालो डिलीशन करना है तो जिस नोट को डिलीट करना है उसका एड्रेस आपको टैंप में डालना है और जैसा भी डिलीट हो जाएगा तो जो रिसेंट नोट रहेगा उसको वो टॉप पॉइंट करेगा उसके एड्रेस को पॉइंट करेगा और जैसे पुश ऑपरेशन में भी वही होगा कि जो आपने न्यू इंसर्ट किया उसके एड्रेस को वो टॉप वेरिएबल पॉइंट करता है देन यहाँ पे ट्रैवर्स इज नथिंग बट अ डिस्प्ले यहाँ पे हम सिंपली डिस्प्ले करेंगे कि जितने भी नोट्स हैं ठीक है वो हमारे स्टैक uh, में वो हम वन बाय वन सबको क्या करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे भी हमने स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन के एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हमने नोड लिखा है और उसके उसमें पॉइंटर दिया है कि वो एड्रेस पॉइंट करेगा ठीक है सो यर ऑल्सो पहले हम चेक करेंगे स्टैक एम है क्या अगर एम है तो हम कुछ भी प्रिंट नहीं कर पाएंगे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाएंगे ठीक है अगर एम नहीं है तो उसमें जितने भी नोट्स होंगे उसको हम क्या करेंगे पर्टिकुलर यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पर्टिकुलर वाइलूफ यूज़ करेंगे ठीक है हम यहाँ पे वाइल्ड लूप यूज करेंगे वाइल्ड टेम्प इज वाइल्ड टेम्प पॉइंटर टू द नेक्स्ट इज नॉट इक्वस टू नल यानी टेम्प जो है वो आपका नॉट इक्वस टू नल यार्ट बिकॉज टेम्प अगर फोर थाउजेंड है उसमें अगर डेटा फोर्टी है तो हमें डे फोर्टी को डिस्प्ले करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि अगर हम टेम्प में क्या करते हैं कि एड्रेस को हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है थीके? तो आपका टैम्प नल तो नहीं है नल नहीं है नल होगा यानी उसमें कुछ भी आइटम नहीं होगा अगर टेम्प नल नहीं है अगर उसमें टेम्प में अगर आपने फोर थाउजेंड डाला है इट मींस दैट आपके पास फोर थाउजेंड एड्रेस की एक नोट प्रेजेंट है तो उसको डिस्प्ले करेगा ठीक है कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करेगा प्रिंट एफ टेम पॉइंट टू द डेटा यानी टेम्प ने टेम में जो एड्रेस है फोर थाउजेंड वो किसको पॉइंट करता है फोर्टी को पॉइंट करता है उसका डेटा क्या है फोर्टी तो उसको प्रिंट करेगा ठीक है ठीक है उसके बाद टेम्प इक्व टू टेम्प लिंक यानी क्या हो जाएगा पर्टिकुलर और टेम्प इक्व टू टेम्प नेक्स्ट यानी अभी आपका फोर थाउजेंड से कर्सर नीचे आ जाएगा थ्री थाउजेंड पर ठीक है अभी आपने फोर थाउजेंड को डिस्प्ले कर दिया है तो अभी हम टेम्प में स्टोर करेंगे थ्री थाउजेंड और फिर चेक करेंगे थ्री थाउजेंड ये नल तो नहीं है नहीं इसमें मीन्स इस उसमें नोड है तो अगर थ्री थाउजेंड में यानी थ्री थाउजेंड एडिक नोड है तो उसका जो डेटा होगा वो हम प्रिंट कर देंगे ठीक है प्रिंट करने के बाद फिर से क्या हो जाएगा टेम पिकवल टेम टू नेक्स्ट अब टेम क्या हो जाएगा टू थाउजेंड हो जाएगा तो जब तक आपके सारे एलिमेंट प्रिंट नहीं हो जाते डिस्प्ले नहीं हो जाए तब तक आपको ये लूप वाई लूप क्या करना है अप्लाई करना है और चेक करना है कंडीशन ट्रू है या नहीं ठीक है यानी जब आप वन थाउजेंड को प्रिंट करोगे और उसके बाद अगर आप चेक करते हो तो उसमें क्या आ जाएगा वन थाउजेंड के बाद तो कुछ है एलिमेंट है ही नहीं ना वो सबसे लास्ट जो है वो क्या था आपका मतलब सबसे बॉटम में जो था वो टेन था वन थाउजेंड था उसके बाद तो उसके पहले तो हमने कोई एलिमेंट ऐड ही नहीं किया है वही हमारा लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट था जिसको ऐड किया था ठीक है उसके पहले तो हमने कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया है तो उसके बाद अगर फिर वो चेक करेंगे कि टैम्प इक्वस्ट टू ना ल्या हाँ टेम्प इक्वस्ट टू नल है उसके बाद हमारे पास कोई भी एड्रेस नहीं है यानी टैंप में वन थाउजेंड के बाद वन थाउजेंड के पहले कोई भी एड्रेस नहीं है सो हमारी यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इस तरह से हम सारे एलिमेंट को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे ठीक है देन इसमें हमने एक सिंपल एक प्रोग्राम लिया है तो वही जैसे हमने स्टैक में लिया था वही हमने यहाँ पे सब हेडर फ्लाइज इंक्लूड किया है हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर डिक्लेशन किया है नोड जिसमें डेटा होगा और उसमें क्या होगा एक पॉइंटर फील्ड होगी जो पॉइंट करेगा जिसको पॉइंट uh, करेगा नेक्स्ट नोड के एड्रेस को ठीक है हमने यहाँ पे एक स्टैक क्लास बनाया है ठीक है उसमें हमने स्ट्रक uh, नोट स्टार टॉप या टॉप जो पॉइंट किसको करेगा स्टार जहाँ भी लिखते हैं यानी वो एड्रेस को पॉइंट करता है तो यहाँ पे टॉप पॉइंट करेगा पर्टिकुलर द एड्रेस को जो भी हमारी नोड है ठीक है जो भी हम नोड इंसर्ट करने वाले उसका एड्रेस जो 40, 40 है जिससे मैंने बताया था फोर्टी फोर्टी का एड्रेस है फोर थाउजेंड तो उसको पॉइंट करेगा ठीक है हमने यहाँ पे एक इनिशियली पुश फंक्शन लिया है ठीक है पुश फंक्शन में हम क्या करेंगे जैसे मैंने भी आपको बताया था वही सेम होगा कि हम पर्टिकुलर पहले टेम्प में ऐड करेंगे फोर थाउजेंड और फोर थाउजेंड ऐड करने के बाद उसको हम इंसर्ट करेंगे पर्टिकुलरली आपके स्टैक में ठीक है तो हम स्ट्रक नोट पॉइंटर पीटीआर लिया यानी ये स्ट्रक नोट जो होगा जो भी हम नोट क्रिएट करेंगे उसमें एक डेटा होगा और एक पॉइंटर फील्ड होगा ठीक है देन पीटीआर इक्वेस्ट टू न्यू नोट पॉइंटर जो होगा वो क्या करेगा नोट का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसको वो हमेशा क्या करेगा पीटीआर से थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे यानी नोट का जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो भी पॉइंटर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पीटीआर दैट इज नथिंग बट द एड्रेस ठीक है सो वही पीटीआर इक्वेस्ट टू नेक्स्ट रिक्वेस्ट टू नल यानी अगर नल है ठीक है यानी एम्प्टी है तो हम स्टैक में यानी इसमें स्पेस है तो हम क्या करेंगे आइटम को इंसर्ट करें जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया ना पर्टिकुलर वो सेम फंक्शन कि अगर आपका कोई भी आइटम इंसर्ट करे तो आपको टैम्प में डालना पड़ेगा ठीक है और टैम में डालने के बाद उसको एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा और उस एड्रेस में जो भी एलिमेंट होगा वो हम यहाँ पे क्या करेंगे पर्टिकुलरली इंसर्ट करेगी और टॉप भी किसको पॉइंट करेगा पर्टिकुलर जो अभी रिसेंट एलिमेंट हमने नहीं रिसेंट नोट मैंने ऐड किया उसको वो पॉइंट करेगा ठीक है उसके बाद हमने पॉप ऑपरेशन किया वही किया पॉप में कि जो भी एलिमेंट आपको डिलीट करना है वो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा पर्टिकुलरली डिलीट परफॉर्म करना पड़ेगा ठीक है सो पीटीआई टू न्यू नोड यानी क्या होता है कि वो इनिशलाइज करते हैं कि इनिशलाइज़ करते हैं हम कि जो भी न्यू नोड होगी उसको एड्रेस को ये क्या करेगा पॉइंट करेगा ठीक है so, सो सिंपल जो भी मैंने आपको फंक्शन पता है वही सब यहाँ पे हो रहा है डिस्प्ले में हम क्या करेंगे हर एक एलिमेंट को डिस्प्ले करेंगे यानी चेक करेंगे कि आपका जो पॉइंटर या जो भी आपका टेम्प है वो नल तो नहीं है अगर नल नहीं है तो हम क्या करेंगे यानी उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है तो हम उस सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करेंगे जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती जो हमने यहाँ पे वाइल्ड लुप यूज़ किया था वो सेब जहाँ पे वाइल्ड लुप यूज़ करेंगे ठीक है और फिर हमने मेन फंक्शन को कॉल किया यहाँ पर भी जैसे हमने एरेमी लिया था के स्विच केसेज यूज़ किए थे वो स्विच केस यूज़ करके यूजर क्या सिलेक्ट करता है उस बेसिस पे हम यहाँ पर पर्टिकुलर क्या करेंगे एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे सो so, यहाँ पे एंटर योर चॉइस ठीक है हमने पहले पुश किया है तो हम सारे एलिमेंट को पुश कर देंगे ठीक है उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करेंगे अगर मुझे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है ठीक है so, सो अगर मैंने यहाँ पे देखो पुश किया एंटर योर चॉइस थ्री यानी डिस्प्ले किया तो हमने जो भी एलिमेंट पहले इंसर्ट किए थे पॉप किए पुश किए थे वो सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा ठीक है एंटर योर चॉइस टू अगर मुझे पॉप करना है तो हम क्या करेंगे पर्टिकुलर फोर ये एलिमेंट पॉप हो जाएगा बाय डिफॉल्ट अब वो टॉप एलिमेंट को क्या करता है पॉप करता है या डिलीट करता है ठीक है तो पहले जैसे एरे में था सेम वैसे ही यहाँ पे होगा उसमें कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो वो एलिमेंट ही शो करने वाला है मेमोरी एड्रेस तो वो इंटरनली प्रोसेस में हो रहा है ठीक है तो जैसे आपने स्टैक का आप आउटपुट देखोगे तो उसमें जो था वो सेम यहाँ पे पुश पॉप ऑपरेशन होता है डिस्प्ले ऑपरेशन में वो सारे को डिस्प्ले करेगा ठीक है देन लास्ट नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एरे एंड एंड स्टैक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एरे एंड लिंकलिस्ट ठीक है सो स्टैक रिप्रेजेंटेशन देखा था हमने स्टैटिक और डायनेमिक सो इट इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन इसको हम जब भी हम एरे से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक और जब हम लिंकलेस uh, से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैक उसको बोलते हैं डायनेमिक तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो साइज होता है वो कैसे फिक्स होता है किसका स्टैक बायजिंग एरे स्टैटिक और डायनेमिक में जो साइज होता है इट इज़ नॉट इट इज अ फ्लेक्जिबल वी कैन बी रन टाइम पर उसको हम क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं ठीक है देन मेमोरी स्पेस में वेस्टेड होती है क्योंकि देखो अगर मेरा एरे का साइज फाइव है और मैं सिर्फ थ्री ही एलिमेंट्स पुट करती हूँ तो जो टू एलिमेंट की जो स्पेस है वो वेस्ट हो जाएगी ठीक है यहाँ पे वैसा नहीं होता है यहाँ पे मेमोरी स्पेस वेस्टेड नहीं होती बिकॉज द मेमोरी स्पेस इज अलॉकेड ओनली वेन द यूजर वॉन्ट टू पुश एन एलिमेंट इन टू स्टॉक तो जब अगर यूजर कुछ एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो रन टाइम उसको वो स्पेस प्रोवाइड की जाती है ठीक है सो इंसर्शन डिलीशन ऑफ ऑपरेशन इन अ स्टैक यूजिंग एरे इन्वॉल्व मोर डेटा मूवमेंट उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है मूवमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है और इसमें इंसर्शन डिलीशन जो है वो किसी भी मतलब इजी पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर एड्रेस के थ्रू एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं यानी यहाँ पे कैसे होगा कि जैसे इंडेक्सिंग है जीरो वन टू थ्री ये देना पड़ेगा अगर मैं एड्रेसिंग में अगर पहले नोट का एड्रेस टेन थाउजेंड दे दू सेकेंड नोट का एड्रेस अगर थ्री थाउजेंड दे दूँ सो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी हम एलिमेंट जो स्टोर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एड्रेस किस में डायनामिक रिप्रेजेंटेशन में लिंक लिस्ट में जो एड्रेस होगा उसमें एलिमेंट स्टोर होगा अगर आप वन थाउजेंड पर अगर थ्री थाउजेंड भी देते हो तो ठीक है हम एलिमेंट को थ्री थाउजेंड में पुट कर देंगे इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है लेकिन इसमें प्रॉपर्ली एक शेप एक में एक सीरीज में होना चाहिए ठीक है यानी आपको मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो एक सीरीज में होना चाहिए ठीक है डेटा तो दोनों में सीरीज में होना चाहिए लेकिन मेमोरी एलोकेशन जो प्रोसेस होता है वो स्टैटिक में एक सीरीज में अच्छी चाहिए, डायनामिक में नॉट नेम जैसा एड्रेस दोगे उस बेसिस पे उसको स्टोर करिए। देन लेस स्पेस इज यूज फॉर इस डेटा एलिमेंट ठीक है और यहाँ पे मोर स्पेस यूज क्योंकि हम यहाँ पे डेटा पॉइंटर ये दो फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो नोट जो होती है उसकी स्पेस ज़्यादा होती है यहाँ पर सिंपली हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं सो फॉर दैट दिस लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड सो ठीक है दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक बाई यूजिंग दिंकलेस सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो ठीक है सो so, यू एक अगर एक बार आप देख लोगे स्लाइड्स तो और रीड करते हो तो ईजीली वो अंडरस्टैंड हो जाता है और इज सिंपल कंसेप्ट इज टैक एंड क्यूज ठीक है इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ठीक है सो हीयर वी परफॉर्म द इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो हमने यहाँ पर देखा है सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो थैंक यू